जब सब चीज बेहतर होता हुआ दिख रहा था तब आपने पार्टी छोड़ दी। मैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के चप्पल जूते उठाने नहीं गया था राजनीति में। आपको पता है मैं करीब अब तक 12 या 13 राज्यों में जाके ग्राउंड रिपोर्ट कर चुका हूँ। आज भी ना भारत में ऐसे तमाम राज्य हैं, उन राज्यों के कई सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा। ये बात सही है कि कई राज्य सरकार इसमें मन लगाकर काम नहीं कर रहे, तो चाहे बीजेपी की सरकार हो या फिर किन्हीं ऐसे अन्य पार्टियों की। स्टेट टू स्टेट आप देख लीजिए कि कहाँ पर कितना काम हुआ है, उससे आपको पता चल जाएगा कि किसने काम किया है या नहीं किया। क्या समझते हैं कि जनता जो है वो एकदम बेवकूफ है, उसके पास दिमाग नहीं है? अब मैं इसमें स्पेसिफिक्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि आधे बयान को काट के इसमें से कितनी वायरल क्लिप्स बन सकती है, मैं इस राजनीति को भी समझता हूं। मैं तो पूरा चलाऊंगा। अजीत पवार के आने के बाद से उनके ऊपर जो आरोप लगा है करप्शन का, उसके ऊपर आपकी पार्टी कुछ करेगी या नहीं करेगी? हमारी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, किसी पर भी कोई भी आरोप हो, केस हो, वो जैसे है वैसे ही चलता रहे। लेकिन उसको उप मुख्यमंत्री बना देंगे? नहीं, उसमें आपको वो आएगा तो उसके बाद उसके 8-9 लोगों को मंत्री बना देंगे। हाँ, मैं बताता हूँ और केस चलता बताता हूँ। दिलीप वलसे पाटिल है जो हमारे साथ आए एनसीपी में, उनके ऊपर कौन सा केस है? भ्रष्टाचारी। हाँ। आपके यहाँ कहाँ होते हैं? आपके यहाँ आके तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, लिस्ट दूं? मैं लिस्ट, मुझे पता है ये सारे लोग रोज 5 से लेकर 10 बजे तक यही लिस्ट सुनाते रहे। आपने एक दफा कहा था कहीं पे हिंदुत्व एजेंडा जो है उसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है, तो वो क्या सोच के आपने कहा? जो कहता है ना मैं कट्टर हूँ वो गलत है। ये चीज कह के आप ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भारत में हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? हम है हिंदू राष्ट्र ही। आप मुझे बताइए, आप क्या हिंदुस्तान बोलते हो? एक किसान अपना फसल लेके आता है और उसको बाद में जो पैसा मिलता है ना उसको 3.5-4 रुपए अपनी जेब से देना पड़ता है। देखिए मोदी जी जब काम करते हैं तो मल्टी डायरेक्शन में काम करते हैं, जैसे यूरिया। फायदा शहजाद भाई नहीं हो रहा है, आम किसान को नहीं हो रहा है। आप जानते हैं ना हर साल कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं इन्हीं कारणों से। कॉन्स्टिट्यूशनली एग्रीकल्चर जो आता है वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं आता। आप कहते हैं कि भाजपा के लोग असली हिंदू नहीं है ना ही आरएसएस के। मैं आपको कारण बताऊंगा अलग से तो तब आपको पता चलेगा। डिजिटल एरा जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू चाइनीज विस्पर की तरह इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। ये करते ही इसलिए है ताकि एक चीज को गलत तरीके से उसको बताकर उस पर दंगे किए जाए। राजनीति अब केवल दोषारोपण करके पावर एक्युमुलेशन का खेल बन गई है। जो सत्ता में रहने के बाद भी 10-10 साल दोष डालते हैं कि मोदी जी करने नहीं दे रहे हैं, तो ये तो दोषारोपण है।